चंबल की रानी फूलन देवी। एक जमाना था जब चंबल उनके नाम से जाना जाता था। बीहड़ और सुनसान जंगलों में उनकी दहशत की गूंज साफ सुनाई देती थी। अगर आप भारत में डकैती की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फूलन देवी का नाम ना आए। लेकिन फूलन देवी ने अपने जीवन में सिर्फ दबंगई ही नहीं दिखाई बल्कि काफी कुछ सहा भी। उनकी उम्र से लगभग 25 साल बड़े व्यक्ति से उनका विवाह हुआ। वो अपने ही पति द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई। फूलन देवी पर बेहमई मैसेकर का इल्जाम है जिसमें 12 ठाकुरों की हत्या हुई थी। दोस्तों, फूलन देवी की जीवन की कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हर किसी को नहीं पता, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो जिसमें हम आपको चंबल की रानी फूलन देवी की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं एक मल्लाह परिवार में जन्मी लड़की कैसे बैंडिट क्वीन बनी और फिर संसद तक पहुंची। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन में स्थित गोरा के पुरवा गाँव में हुआ। चार भाई बहनों में फूलन सबसे छोटी थी। बचपन से ही फूलन थोड़े हुसैल मिजाज की लड़की थी और अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। ये बात उनके आसपास के लोग उसी वक्त समझ गए थे जब महज 10 साल की फूलन अपने चाचा द्वारा जमीन हथिया लेने पर उनसे उम्र में काफी बड़े अपने चचेरे भाइयों से भिड़ गई। फूलन की लड़ाई झगड़ों का ये इकलौता मामला नहीं था। उस समय के उत्तर प्रदेश में एक गरीब दलित परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की का अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना ठीक नहीं माना जाता था। इसलिए फूलन के पिता ने महज 13 से 14 साल की उम्र में ही उसकी शादी लगभग 40 साल की उम्र के पुत्ती लाल नाम के आदमी से कर दी। उनके पति द्वारा उनका सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन किया गया। फूलन को इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा था कि वो कई बार अपने पति के घर से भागकर अपने पिता के घर आ गई। लेकिन उनके पिता द्वारा उन्हें दोबारा उनके पति के घर भेज दिया गया। एक बार तो नौबत यहाँ तक आ गई कि जब फूलन पति के घर से भागकर आई तो उनके पिता ने उन पर सोने की अंगूठी चुराने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद उन्हें 2-3 दिन तक जेल में रहना पड़ा। कहा जाता है कि जो 2-3 दिन उन्होंने जेल में गुजारे उस दौरान भी पुलिस वालों के द्वारा उनका रेप किया गया। जेल से वापस आने के बाद उनके पिता ने फिर से उसके पति के घर भेज दिया गया, लेकिन तब तक उनके पति की दोबारा शादी हो गई थी। इसके बावजूद कुछ दिन फूलन वहीं रही, लेकिन कुछ दिन बाद उनके पति ने शादी में मिले सामान के साथ फूलन को भी वापस भेज दिया। वापस आने के बाद धीरे धीरे फूलन की पहचान चंबल में डाकू गिरोह में शामिल लोगों से होने लगी। साल 1979 में एक दिन अचानक फूलन देवी चंबल पहुंच जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि चंबल के डाकुओं ने उनके अंदर के बागी को देखते हुए उसे अपने साथ मिला लिया। वहीं एक कहानी ये भी है कि चंबल के डाकुओं ने फूलन देवी को किडनैप किया था। चंबल पहुंचने के बाद फूलन जिस गिरोह का हिस्सा बनी उसका लीडर बाबू गुर्जर नाम का एक आदमी था। उन्हीं की गैंग में एक विक्रम मल्लाह नाम का आदमी था जो फूलन से सिंपैथी रखता था। वजह थी फूलन और उसका एक ही मल्लाह जाति से होना और अब तक फूलन पर हुई ज्यादती। एक दिन गैंग के लीडर बाबू गुर्जर की नीयत फूलन देवी पर खराब हो जाती है और वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। विक्रम मल्लाह फूलन देवी को बचाने की कोशिश करता है। इन सब में उसके हाथों बाबू गुर्जर का कत्ल हो जाता है और विक्रम मल्लाह खुद गैंग का लीडर बन जाता है। लोगों को लगने लगा था कि फूलन और विक्रम के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी बीच फूलन अपने पति पुत्तीलाल के गांव जाती है और उसे घर से निकाल कर पीट पीट कर अधमरा कर देती है। साथ में वो गांव में एक नोट भी छोड़ कर आती है कि अगर गांव में किसी ने किसी बच्चे के साथ जबरदस्ती की, उसकी शादी करवाई, उसका यौन शोषण करने की कोशिश की तो उसे फूलन की गोलियों का शिकार होना पड़ेगा। इसी बीच बाबू गुर्जर के साथ काम करने वाले दो लोग श्रीराम और लाला राम जेल से बाहर आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने विक्रम मल्लाह पर एक औरत की वजह से अपने सरदार को मारने का इल्जाम लगाया। उस समय इस गैंग में मुख्य रूप से राजपूत और मल्लाह दो जातियों के ही लोग थे। श्रीराम और लाला राम के द्वारा खेले गए इस दांव से गैंग के दो टुकड़े हो गए। चूंकि राजपूत ज्यादा थे इसीलिए विक्रम मल्लाह को मल्लाहों के साथ भागना पड़ा। कुछ समय के बाद राजपूत गैंग ने मल्लाहों पर हमला किया। विक्रम मल्लाह को मार दिया और फूलन देवी को अगवा कर बेहमही ले गए। और यहाँ फूलन देवी के साथ जो हुआ उसे सुनकर ही हर किसी की रूह कांप जाएगी। यहाँ लगातार 3 हफ्तों तक फूलन का रेप किया गया। कहा जाता है इसमें लगभग 3 दर्जन लोग शामिल थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद फूलन वहाँ से जिंदा निकल पाएगी। लेकिन 3 हफ्तों बाद विक्रम मल्लाह के साथ काम करने वाला एक आदमी मान सिंह मल्लाह बेहमही आया और उसने फूलन को बचाया। इसके बाद फूलन देवी ने एक नए मल्लाह गैंग की स्थापना की जिसके लीडर वो खुद थे। 7 महीने बाद उन्हें खबर मिली कि बेहमही में एक ठाकुर परिवार में होने वाली शादी में श्रीराम गैंग के सदस्य भी आने वाले हैं। फूलन देवी अपनी गैंग को लेकर पुलिस वालों के लिबास में वहां पहुंच जाती है, लेकिन वहां उन्हें श्रीराम गैंग के सिर्फ 2 सदस्य मिलते हैं क्योंकि बाकी सभी भाग गए थे। लेकिन फूलन देवी के मन में ठाकुरों और उस गांव को लेकर काफी घृणा भरी हुई थी। उन्होंने उस शादी में आए 22 ठाकुरों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। दोस्तों, इसी इंसिडेंट को बेहमही मैसेकर के नाम से जाना जाता है।
ये घटना पूरे देश में आग की तरह फैली और तो और इसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ा। इसी घटना के बाद भारतीय मीडिया द्वारा फूलन देवी को बैंडिट क्वीन का टाइटल दिया गया। दोस्तों उस समय में देश में कैस्टल बेस्ड पॉलिटिक्स जोरों शोरों से चला करती थी और इसलिए इस घटना का इम्पैक्ट इतना हुआ था कि उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह को रिजाइन करना पड़ा। बेहमई मैसेकर के बाद फूलन देवी पर पुलिस कार्यवाही तेजी से होने लगती है। अगले दो सालों में उनकी गैंग में कई लोग पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। तभी तत्कालीन एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी द्वारा फूलन देवी के सरेंडर की बात को आगे बढ़ाया जाता है। इस बीच फूलन देवी का गैंग काफी कमजोर पड़ चुका। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि इस बीच फूलन देवी की तबीयत भी काफी खराब रहने लगी। जंगल की बीहड़ परिस्थितियों में रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार दो साल बाद फूलन देवी सरेंडर के लिए तैयार हो जाती है, पर इसके लिए उन्होंने कई शर्तें रखी। उनकी एक शर्त ये थी कि वो किसी पुलिस अधिकारी या नेता के सामने नहीं बल्कि दो फोटोज के सामने हथियार डालेंगी, जिनमें एक फोटो एक महात्मा गांधी की और दूसरी माँ दुर्गा की थी। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में सरेंडर करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये शर्त भी रखी कि सरेंडर होने के बाद उन्हें या उनकी गैंग के किसी भी व्यक्ति को ना तो 8 साल से ज्यादा की सजा होगी ना ही फांसी। इसके अलावा उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद गवर्नमेंट से जमीन की मांग भी की ताकि वो नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सके। सरकार ने उनकी कुछ शर्तें मांग ली और फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया। 13 फरवरी 1983 को इस ऐतिहासिक पल को देखने न सिर्फ मध्य प्रदेश के सीएम बल्कि हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इसके बाद फूलन देवी लगभग 11 साल तक जेल में रही। इसके बाद साल 1994 में उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन पर लगे सभी इल्जामों को वापस ले लिया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को मिर्जापुर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। फूलन ने न सिर्फ ये ऑफर स्वीकारा बल्कि वो ये चुनाव जीती भी और चंबल के बीहड़ जंगलों से आई फूलन पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है। फूलन देवी साल 1996 से 1998 तक मिर्जापुर सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहती है, लेकिन साल 1998 में हुए अगले चुनावों में वो इलेक्शन हार जाती है। लेकिन क्योंकि देश उस समय एक राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था, नतीजतन 99 में हुए चुनाव में फूलन उसी सीट से दोबारा जीत जाती है। अगले 2 सालों तक फूलन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। फिर एक दिन 25 जुलाई 2001 को जब वो दोपहर 1:30 बजे के करीब पार्लियामेंट से लंच के लिए अपने घर आती है, तो जैसे ही वो अपने सरकारी घर के सामने अपनी गाड़ी से उतरती है तो वहाँ पहले से खड़ी मारुति 800 कार से 3 नकाब पहने हुए आदमी उतरते हैं और लगातार उन पर गोलियां दागते चले जाते हैं। फूलन को सिर हाथ और बॉडी पर कुल मिलाकर 9 गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 दिन बाद एक शख्स शेर सिंह राणा ने अपना गुनाह कबूल किया और सरेंडर कर दिया। उसका कहना था कि उसने फूलन से अपने राजपूत भाइयों के लिए बेहमई मैसेकर का बदला ले लिया। तो दोस्तों ये थी चंबल की रानी फूलन देवी की पूरी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा सजेशन दीजिए कॉमेंट्स में। ऐसे ही अन्य जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।